ये देखिए, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता कि हमारे ट्रेन के अंदर से ये कैसे गुजरते हैं। आपने नोटिस किया था क्या? ये देखिए, अब ये देखिए ये किस प्रकार का गाड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से ट्रेन जाने के बाद में बस अभी हम लोग धीरे धीरे कपल करने वाले। अरे अरे यार, यहाँ पे वैप 4 के साथ में वैप 7 और वैप 5, अच्छा तीनों के तीनों महाशय एक साथ में यहाँ पे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो यहाँ पे आप फिलहाल सामने देख ही सकते हैं कि वैग 9 खड़ी है, और आपको तब तक पता चल ही गया होगा कि हम लोग जो है आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस की ड्यूटी निभाने वाले हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को हॉल करने का एक बहुत ही अच्छा मौका हमको मिला है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग आज की हमारी जर्नी। पहले एक बार हम लोग ट्रैक मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं, जो कि F4 प्रेस करने से ऑन होता है, और F10 प्रेस करके ड्राइविंग एड्स विंडो को भी ऑन कर लेते हैं। चलो, हमने दोनों चीज़ को ऑन कर लिया और अभी हम लोग बस यहाँ से डिपार्ट करते हैं। चलिए, अभी हम लोग फिलहाल दुर्गापुर स्टेशन में हैं, तो दुर्गापुर स्टेशन का नज़ारा मैं आपको डिपार्ट करते करते दिखा देता हूँ। पहले ब्रेक्स को रिलीज करते हैं और अभी हॉर्न बजा के यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ट्विन वैग 9 लोकोमोटिव हमको मिला है, चलिए डिपार्ट करते हैं। चलिए धीरे धीरे डिपार्ट करते हैं। आज दो वैग 9 हमको मिला है, तो आज आप लोग हमारा जो ट्रेन है, हमारा जो ये पूरा गुड्स ट्रेन है, इसका एक्सेलरेशन पावर आप देखेंगे आज कि कितना बेहतरीन तरीके से ही एक्सेलरेट करती है। तो गाइस, आप लोग जरा इस वीडियो के साथ में पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमको काफ़ी सारा काम करना है इस फ्रेट ट्रेन के साथ में। तो पहले इस ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं। यहाँ पे तो स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर का है, मतलब अभी तो 75 दिखा रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 25 किलोमीटर का जो लिमिट है वो आ जाएगा। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन के वैगन्स है आपको दिख रहा होगा, इसमें ईगल टेनर लिखा हुआ है, लगता है ये ईगल टेनर कंपनी के वैगन्स है। और इस साइड में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कुछ वैगन्स दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड में भी ऑक्सीजन वैगन्स है, मतलब पूरा जो स्टेशन है ना ऑक्सीजन वैगन से ही भरा हुआ है। दुर्गापुर जो स्टेशन है पूरा ऑक्सीजन वैगन से ही भरा हुआ है। चलिए हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। तो यार, आपने देखा 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा डिक्रीज करवाना पड़ेगा स्पीड को, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्पीड हो रहा है। थोड़ा सा मैं ब्रेक्स लगा देता हूँ ताकि हम लोग स्पीड लिमिट के अंदर में आ जाए। हाँ, इतना सही है। एक बार ट्रेन को पूरा स्ट्रेट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेट करेंगे। ये देखिए, लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आता कि हमारे ट्रेन के अंदर से ये कैसे गुजरते हैं। आपने नोटिस किया था क्या? ये देखिए, अब ये देखिए ये किस प्रकार का गाड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो, यहाँ से ट्रेन जाने के बाद में आपका लेवल क्रॉसिंग तो खोल दिया गया। चलिए, अब हम ट्रेन को पकड़ लेते हैं और अब हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन, वो भी गजब वाला एक्सेलरेशन। अभी आप देखेंगे हमारा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर का है और मैं थ्रॉटल को 40% पे करके रखता हूँ। चलिए, 42% ही सही। और अभी आप इसका लाजवाब का एक्सेलरेशन जो है वो आप अभी देखने वाले हैं। मैं आपको ऑक्सीजन वैगन्स के पास में लेके चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ का स्पीड लिमिट 75 का दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी दूर में जाएंगे तो 80 का दिखा रहा है वापस से। तो एक काम करते हैं, हम लोग 80 पे चले जाते हैं। और गाइस, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो में आपको मज़ा ज़रूर से आएगा, क्योंकि आज हमको काफ़ी सारे ड्यूटीज़ निभाने हैं। आज हमको जो वर्क ऑर्डर मिला है वो है कि अभी इसके बाद वाला जो स्टेशन है, जो कि अंडाल जंक्शन है, अंडाल जंक्शन पर हमको इस फ्रेट ट्रेन को ले जाना है। ले जाके वहाँ पे कुछ देर के लिए रोक के रखना है, और अंडाल जंक्शन पे लेफ्ट साइड में हमको कोई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिखेगी। तो उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस से कुछ मान लीजिए 6-7 वैगन्स वहाँ से उठाकर हमारे ट्रेन के पास में लाया जाएगा, और हमको जो है उसको कपल करना है जाकर। तो ये हमारा पहला वर्क ऑर्डर है। देखते हैं पहला वर्क ऑर्डर में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, हम लोग अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। यार, कोशिश तो करेंगे पूरा अच्छे से करने की, बस आप लोग इस वीडियो के साथ में पूरा बने रहिएगा। और गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तो मज़ा आने वाला है आगे, फिर बाद में आप भूल जाओगे लाइक करना था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, लाइक ज़रूर से कर दिया करो आप लोग। तो अंडाल जंक्शन आने में यहाँ पर 2.9 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो टाइम दिया हुआ है ना गाइस, ये टाइम को आप लोग इग्नोर करते जाओ। मैं F7 को ऑन करके रखता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि कौन से ट्रेन जो है हमारे पास में आ रहे हैं। तो सामने गाइस देखिए, हम लोग अंडाल जंक्शन पे एंटर करने वाले हैं, और यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कोई फ्रेट ट्रेन्स टाइप का कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है दूर से,
आप लोग जरा लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे तो मेरे को दो फ्रेट ट्रेन दिखाई दे रहा है। एक तो आपका लेफ्ट साइड में BCNHL का रेक है जो कि मेरे को लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, और राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे EMD के साथ में एक कोल वाली गुड्स ट्रेन है, और वहाँ पे गार्ड जी ने हमको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया था, आपने नोटिस किया था क्या? और यहाँ पे लेफ्ट साइड का देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है, और स्पीड तो ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि हमारा रुकने का वक्त होने वाला है। और यहाँ पे देखिए ट्विन वैग 7 लगा हुआ है इस फ्रेट ट्रेन में, ये लोग सिग्नल पे रुके हुए हैं, रेड सिग्नल इनको मिला है, अभी जाने का परमिशन नहीं है। और वहाँ पे गार्ड जी भी हमको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे थे। तो बस गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं अंडाल पे, और हम लोग ब्रेक्स लगवा देते हैं, क्योंकि सामने ट्रैक्स चेंज दिखाई दे रहा है मेरे को, ट्रैक मॉनिटर पे देख के पता चल रहा है कि सामने होने वाला है हमारा ट्रैक्स चेंज, इसके चलते हमको स्पीड को 30 के अंदर में रखना पड़ेगा, 30 से ज़्यादा नहीं जाएंगे गाइस। यार इसका ब्रेकिंग भी कितना कमाल का है, आपने देखा क्या? ब्रेकिंग भी इसका बहुत ही कमाल का है, और अभी आप लोग देखोगे हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। अच्छा स्पीड को और थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, ये देखिए ये हो रहा है हमारा ट्रैक चेंज, आपको दिख रहा होगा सामने के साइड में। और हमारा जो पूरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस है इसमें आपका दो ICF के SLR कोचेस रखे गए हैं, और ये जो अंडाल जंक्शन है यहाँ पे भी आपको दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है। एक मिनट रुक जाइए, पहले हमको रुक जाने दीजिए ट्रेन के साथ में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनर शंटर लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कंटेनर शंटर मतलब शंटर जो लोकोमोटिव है ना उसको ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ में ऑलरेडी अटैच कर दिया गया है। आपको दिख रहा होगा ये जो लोकोमोटिव है यही ऑक्सीजन एक्सप्रेस को शंट करके हमारे ट्रेन के पीछे में ले आएगी। लेफ्ट साइड में आपको एक पूरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है जिसका कि दो पार्ट्स है। तो यहाँ ये वाला जो ICF कोच दिख रहा है इसके बाद से ये देखिए यहाँ पे देखिए डिकपल किया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन हमारे ट्रेन के पीछे आकर लगवाया जाएगा और फिर हमको जाकर उसको कपल करना पड़ेगा। मैं ब्रेक्स को यहाँ से लगवाना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि बस अब थोड़ा सा सामने जाके हमको रोकना है ट्रेन को। यहाँ पे मेमू स्टॉप लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो नहीं रोकेंगे, सामने जहाँ पे ऑल लोको पायलट स्टॉप लिखा हुआ है आपको येलो कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाकर हम रोक देंगे ट्रेन। चलो गाइस यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन। अब यहाँ पे रोक देते हैं। चलो फाइनली हमने ट्रेन को यहाँ पे रुकवा दिया है, और अब देखना ये है कि वो जो सेंटर है वो कब तक आकर अपने ऑक्सीजन कोचेस को हमारे ट्रेन के साथ में अटैच करवाती है। चलिए पीछे के साइड में चलते हैं। सेंटर कहाँ गई? सेंटर भाग गई? हाँ हाँ सेंटर भाग गई। अच्छा यहाँ पे आपने देखा था ना एक वो सेंटर के साथ में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का सेकंड वाला पार्ट था जो कि ऑलरेडी डिकपल कर रुकी हुई थी, तो वो चली गई। आपको सामने मैं दिखाता हूँ, रुकी एक मिनट रुक जाइए मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखिए क्योंकि आपको धुआं दिखाई दे रहा है ये सेंटर जा रही है, ये देखिए ये सेंटर जो है शंट करने को जा रही है, और ये अब धीरे धीरे पीछे के साइड में आएगी। पीछे के साइड में आकर हमारे ट्रेन के पीछे में बिल्कुल इसको रख देगी, तो इसको जाकर कपल करना है। मैं ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चलिए मैं आपको दूर से नज़ारा दिखाता रहता हूँ, चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन जो आपका सेंटर है ये काफ़ी तेज़ी से आ रही है, मतलब तेज़ी से नहीं आ रही है, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ तो इसीलिए ऐसा देखने में लग रहा है। हम लोग हमारे ट्रेन के पास में आ जाते हैं। आ गई क्या आपका सेंटर? हाँ चलो सेंटर महाराज तो यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी हमको जो करना है अभी जाकर हमको कपल करवाना है। मैं हॉर्न बजा के पीछे के साइड में जाता हूँ, इसको धीरे धीरे कपल करता हूँ। चलिए मैं आपको कपलिंग भी दिखा देता हूँ, कपलिंग का नज़ारा कैसा होता है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चलो इस साइड से देखते हैं। बस अभी हम लोग धीरे धीरे कपल करने वाले हैं। अरे अरे यार मैं धीरे धीरे बोला, ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कपल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने कपल कर लिया है, और अभी जो है हमको पीछे वाला जो लोकोमोटिव है ये जो आपका ये वाला लोकोमोटिव जो कुछ सेंटर लोकोमोटिव है इसको डीकपल करवाना है। तो F9 प्रेस करते हैं और इसको डीकपल करवाते हैं। ये जो आपका जीरो वाला कोच दिख रहा है ये है आपका ये लोकोमोटिव, इसको हमको डीकपल करना है। ये हो गया हमारा डीकपल। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से डिपार्ट करवाते हैं ट्रेन को।
आप लोग यहाँ से देख लीजिए, डिकपल तो हो ही चुके हैं, आपको सामने देख के पता चल ही रहा होगा। अब हम लोग डिपार्ट करते हैं। चलो, तो फाइनली पहला वाला जो काम है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अगला जो ड्यूटी है वो आपका सीधा रानीगंज स्टेशन पे है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और अगर इस अंडाल जंक्शन का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लोकल ट्रेन यहाँ पे स्टैटिक खड़ी है, ईस्टर्न रेलवेज़ का वो ग्रीन कलर वाला EMU लोकल जो कि यहाँ पे स्टैटिक खड़ी है। और यहाँ पे कंटेनर, मिक्स्ड कंटेनर के साथ में एक गुड्स ट्रेन भी खड़ी है जिसका कि EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है इसका। कौन से सेट का है? साबरमती। अच्छा, साबरमती का EMD इस साइड में आता है क्या? रियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये गार्ड जी ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। चलिए हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। चलिए, ट्रेन को हमने पकड़ लिया और लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे बंद हो चुका है। सामने से कोई ट्रेन आ रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता सामने से कोई ट्रेन आ रही होगी। चलिए हम लोग एक्सेलरेट करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ का स्पीड लिमिट ऑलरेडी 80 किलोमीटर का देके रखा है और हमारा जो ट्रेन का लोड है ना वो बढ़ चुका है, वो दोगुना हो चुका है। रीज़न तो आपको पता ही है, अभी अभी हमने जो है काफ़ी सारे ऑक्सीजन वैगन्स को कपल करवाया है हमारे ट्रेन के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये हमारा पहला वाला पोर्शन था और ये पीछे के जो ब्लैक कलर के ऑक्सीजन वैगन्स है, मतलब ब्लैक कलर के शेड्स दिए हुए हैं, तो ये आपका सेकेंड पार्ट वाला ऑक्सीजन वैगन्स है। ये देखिए, पीछे में उत्कृष्ट का एक ICF गार्ड कोच लगा हुआ है। चलिए हम लोग सामने के साइड में बढ़ते हैं। ये आ गया अभी हम लोग सामने के साइड में और ये वैग 9 ट्विन लोकोमोटिव्स काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। हमको जो है सिग्नल सामने येलो मिला है, लेकिन यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉसिंग देखने को क्यों नहीं मिल रहे? लेकिन अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्रॉसिंग्स हमको अच्छे से अभी तक देखने को नहीं मिले। ये देखिए, सिग्नल भी रेड सिग्नल दिखा रहा है, इसका मतलब अभी तो कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। चलो, सामने जो है सिग्नल येलो दिखा रहा है, मतलब अभी हमको वैसे भी रुकना है स्टेशन में। और सामने रिवर्सल पॉइंट भी दिख रही है, हॉर्न बजा देते हैं। ये रानीगंज स्टेशन में हम लोग एंटर कर चुके हैं और लेफ्ट साइड में एक और EMU ट्रेन दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, बाल्ट फेस वाला EMU है ये। और अगर बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड में एक टैंकर के साथ में एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। और गाइस, हम लोग बस यहाँ पे रुकवाने वाले हैं हमारे ट्रेन को। चलिए, हमारा ट्रेन यहाँ पे रुक चुका है और यहाँ पे हमको जो काम करना है वो ये है, हमारे ट्रेन में से सामने के साइड से दो ऑक्सीजन वैगन्स को साइड वाले ट्रैक्स पे छोड़ना है, क्योंकि ये रानीगंज वालों का डिमांड है। तो इसीलिए हमको जो है दो ऑक्सीजन वैगन्स को यहाँ पे छोड़ के फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर डीकपल करवाते हैं पहले, ये जो ऑक्सीजन वैगन्स है इनको पहले डीकपल करवाते हैं, दो ऑक्सीजन वैगन्स को यहाँ से डीकपल करवाते हैं। चलिए, ये हो चुका है हमारा डीकपल, अब आगे बढ़ते हैं हॉर्न वॉर्न बजा के। ब्रेक्स रिलीज कर दिया हमने। चलिए, फाइनली हमारा यहाँ से डीकपल हो चुका है ऑक्सीजन के दो वैगन्स। अब हम लोग धीरे धीरे रिवर्सल पॉइंट को फॉलो करके वर्क ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं। तो गाइस, आप लोगों में से कौन कौन रानीगंज स्टेशन से हो ज़रा मुझे ये भी कमेंट से बता देना। और रिवर्सल पॉइंट आने में बस कुछ देर रह गया और अभी हम लोग बस रोकने ही वाले हैं ट्रेन को। चलिए, अब हमको इसको पीछे ले आना है, मतलब दूसरे ट्रैक्स पे जो है हमको इस वैगन्स को लेके जाना है। आप लोग यहाँ से देखो, ये लेफ्ट साइड वाला ट्रैक्स है ना, हमको उस साइड में जाना है। यहाँ पे ट्रैक्स चेंज होने वाला है हमारा, तो 30 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, स्पीड को 30 के नीचे ही रखेंगे। ये हो रहा है हमारा ट्रैक चेंज। आप लोग देखो ज़रा नज़ारा कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बता देना। और ये सब ड्यूटी कैसा लग रहा है आप सभी को, वो भी कमेंट्स में बता देना। और हो सके तो एक लाइक ज़रूर से ठोक देना यार, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं ठोकते हो। और प्लेटफॉर्म के अनाउंसमेंट सुनाई दे रहे हैं क्या आप सभी को? मुझे तो सुनाई दे रहा है। चलिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ।
वैग नाइन के बिल्कुल सामने वाला जो वैग नाइन था वहाँ पे आ चुके हम लोग, और हमारे लोको पायलट जो है ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। बस मैं ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ गाइस यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। चलो यहाँ पे तो रुक चुके हैं, और यहाँ से अभी जो करना है हमको, पीछे वाले दो ऑक्सीजन वैगन से उनको डीकपल करवाना है। चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ पहले। हाँ तो यहाँ पे हमको डीकपल करवाना है। वापस से F9 प्रेस करते हैं और इसको डीकपल करवा देते हैं। ये हो चुका है हमारा डीकपल, और अभी जो है ब्रेक्स को रिलीज करके आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड वर्क ऑर्डर कंप्लीट। तो अगला जो वर्क ऑर्डर है हमको इसको आसानसोल जंक्शन तक पहुंचाना है, इस ऑक्सीजन ट्रेन को, और फिर वहां पे जाके जो है हमारा ड्यूटी खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उस रिवर्सर पॉइंट तक, और लोकोमोटिव्स का साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा ना। सामने होने वाला है ट्रैक्स चेंज, तो वही 30 के अंदर में रखना है हमको स्पीड को, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम लोग। ये हो रहा है हमारा ट्रैक्स चेंज। और अभी हम लोग यहाँ पे रोक देंगे हमारे ट्रेन को, बस यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन। और अभी जो है वापस से ट्रैक्स चेंज कर कर हमको मेन लाइन वाला जो ट्रैक है जहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रुकी हुई है, उस ट्रैक्स पे वापस आना है और हमारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ में कपल करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हॉर्न बजा के। तो गाइज यहाँ से अभी हम लोग कर लेंगे कपल। और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाके कपल होगा। चलिए ये हो गया हमारा कपल, और अब जो है आगे बढ़ते हैं। हमको सिग्नल पूरा ग्रीन मिल चुका है, आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हॉर्न बजा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो अगला जो हमारा आसनसोल जंक्शन है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर तक हम चलते हैं और आगे का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाते रहेंगे हम लोग। चलिए अब एक्सेलरेशन का पावर बढ़ाते हैं, और राइट साइड वाला जो टैंकर फ्रेट है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसा है, और इसका लोकोमोटिव क्या था वो मैंने आपको दिखाया क्या? चलिए एक बार और दिखा देते हैं। अच्छा यहाँ पे इसका जो है ट्विन WDG-3A लोकोमोटिव लगाया गया था। ट्विन WDG-3A के साथ में ये शक्ति का लोकोमोटिव है जो कि इस टैंकर वाली गुड्स ट्रेन को मिला है। चलो हम लोग अब ट्रेन के साथ में एक्सेलरेशन पावर को बढ़ा के जल्दी से जो है हमारे जो गंतव्य स्थल है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइस अभी तक आप में से कौन कौन देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रा मुझे वो भी बता देना कमेंट्स में, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है। और गाइस कमेंट्स में पढ़ के देखता हूँ मैं, सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के देखता हूँ। हाँ लेकिन रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है सबका, लेकिन फिर भी मैं किसी किसी को रिप्लाई कर ही देता हूँ, और कमेंट्स में सारे के सारे पढ़ता हूँ। तो इसीलिए आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर से करना आप सब लोग। तो सामने गाइस मेरे को जो है सिग्नल रेड दिखाई दे रहा है, सामने वाला सिग्नल येलो है और उसके बाद वाला जो सिग्नल है वो रेड दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं। और गाइस राइट साइड के ट्रैक्स के सिग्नल जो है वो रेड ही दिखा रहा है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कोई ट्रेन क्यों नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा यार। चलो हम लोग जो है हमारा अगला जो सिग्नल है वहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पे आसपास में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में गाइस इस साइड में भी बिल्कुल सेम ही नज़ारा है जैसे कि लेफ्ट साइड में है वैसे ही राइट साइड में। तो गाइस यहाँ पे ये वाला सिग्नल येलो है, अगर आप ट्रैक मॉनिटर पे देखेंगे तो आपको येलो दिखाई देगा, लेकिन गेम में जो है ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, तो ये इस सिग्नल का प्रॉब्लम है। तो और थोड़ा सा सामने जाकर हमको ट्रेन को रोक देना पड़ेगा। ये तो कोई लोकल ट्रेन है ना? हाँ ये कोई लोकल ट्रेन है जो कि रुकी हुई है। क्या लिखा हुआ है इसमें? EMU लोकल वेटिंग। अच्छा ये एक EMU लोकल है गाइस जो कि वेट कर रही है
मतलब इसको भी जाने का सिग्नल नहीं मिला है आगे। तो ये जो लोकल ट्रेन है इसको वेटिंग पे रखा गया है, लगता है हमको जो है सिग्नल पहले क्लियर दिया जाएगा, क्योंकि भाई हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है तो इसका तो यार डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप सबको तो पता ही है कि इस ट्रेन का कितना ज़्यादा प्रायोरिटी है आज के दिन में। तो बस चलिए सामने में जाकर हमको फ़िलहाल तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल हमारा यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग रोक देंगे हमारे ट्रेन को। चलो यहाँ पे रोक देते हैं। चलो ट्रेन तो हमारी रुक चुकी है, और ये जो आपका लोकल ट्रेन है इसको भी सिग्नल नहीं मिला है। आपको दिख रहा होगा ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, और यहाँ का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को देखने में। मतलब जब दोनों ट्रेन एक साथ में वेटिंग पे रुके रहते हैं तो ये वाला नज़ारा देखने में काफ़ी मस्त लगता है। मान लीजिए आप लोग लोकल ट्रेन में रहते हैं और यहाँ से नज़ारा देखते हैं तो कैसा लगता है। चलिए तो फाइनली हमको जो है सिग्नल मिल चुका है आगे जाने का, तो अभी हम लोग यहाँ से हॉर्न बजा कर डिपार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा अगला हॉल्ट जो कि आसानसोल जंक्शन है वो 6.8 किलोमीटर्स का है। तो 6.8 किलोमीटर्स की जर्नी को अभी हम लोग बस मिनटों में पूरा कर देंगे। आप लोग बस बने रहिए इस वीडियो के साथ में, बस एक या दो मिनट लगेगा गाइस इस पूरे जर्नी को ख़त्म करने में। और सामने मेरे को जो है काफ़ी सारे कोल दिखाई दे रहा है, कोल यार्ड टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ढेर सारा कोल रखा हुआ है। आपको भी दिख रहा होगा तो मेरे को कमेंट्स बताना। और हाँ, एक चीज़ नोटिस किया क्या आपने, ये वैग 9 का एक्सेलरेशन देखकर कितना सेकंड्स लगा हमको, जीरो स्पीड से 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुँचने के लिए कितना वक्त लगा। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 10 सेकंड का टाइम लगा होगा। तो यार देखा आपने, 10 सेकंड में जो है ये ट्रेन जीरो से पूरा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चली आई। और वैसे भी यार वैग 9 तो एक्सेलरेशन के लिए जानी जाती है, लंबे से लंबे गुड्स ट्रेन को ये ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्सेलरेट कर पाए, और ऊपर से इसमें दो दो वैग 9 लगा हुआ है, तो यार आप तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। और यहाँ पे काली पहाड़ी स्टेशन को भी हम लोग कर रहे हैं स्किप, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और स्पीड तो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, स्पीड तो कंट्रोल कर लिया हमने। और लेफ्ट साइड में वैग 7 के साथ में एक BCNA वाली रेक थी, ट्विन वैग 7 लगा हुआ है इस फ्रेट ट्रेन का। और यहाँ पे राइट साइड में एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, कुछ स्टैटिक कोचेस थे, आई थिंक ICF के कोई स्टैटिक कोचेस वगैरह थे राइट साइड में। और मेरे को ट्रैक मॉनिटर पे जो है हमारा अगला जो हॉल्ट है वो दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है आज के जर्नी का, तो वो मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस एक चीज़ बहुत अजीब है कि आज हमको एक भी क्रॉसिंग देखने को नहीं मिला। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आज एक भी क्रॉसिंग क्यों नहीं देखने को मिला, ये तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये ओपन रेल्स ने कुछ गड़बड़ ज़रूर किया है, तभी जो है हमको कोई क्रॉसिंग्स आज देखने को नहीं मिला। नहीं तो काफ़ी क्रॉसिंग्स होने चाहिए थे यार, काफ़ी सारे ट्रेन्स आपको देखने को मिलने चाहिए थे आज। ये तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं आपको दिखा नहीं पाया जो जो क्रॉसिंग्स थे वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो फिलहाल यहाँ पे रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है सामने में, और वहाँ पे जाके हमको रोकना है। ये जो सिग्नल है आई थिंक आपका जो आसनसोल है उसका होम सिग्नल होगा, तो आसनसोल जंक्शन का होम सिग्नल पे अभी हम लोग जाके रोकने वाले हैं हमारे ट्रेन। ये देखिए, लगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है। चलो यार इतने देर बाद में हमको कोई ट्रेन दिखाई दे रहा है। अच्छा ट्रेन आ नहीं रही है, ये तो खड़ी है यहाँ राइट साइड में। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फ्रेट ट्रेन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ट्विन वैग 7 के, वैग 7 नहीं, ये वैग 5 होगा, वैग ट्विन वैग 5 के साथ में एक कोल वाली फ्रेट ट्रेन है, और उसके साथ में एक वैग 9 रेड कलर की वैग 9 के साथ में भी एक कोल ट्रेन है। वायर दो दो कोल ट्रेन एक साथ में। अच्छा सामने कोल का फैक्ट्री भी देखा था ना हमने, आप लोग अगर याद करेंगे कुछ देर पहले हमने कोल का फैक्ट्री भी देखा था। ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है जो क्रॉसिंग कहाँ से हुआ है। और ये जो एक्सप्रेस 1 आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रेन तो यार सबका पाथ रोक के खड़ी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये ट्रेन सबका पाथ क्यों रोक के खड़ी है। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है वैप 7 के साथ में एक ICF वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। तो यार ये कल्प्रिट है यार,
यही जो है कल्प्रिट है। इसने जो है सारे के सारे ट्रेन के जो पाथ है ना उसको रोक के रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी इस ट्रेन के बाद में ना आपको एक के बाद एक ट्रेन देखने को मिलेंगे, मतलब जो कि बिल्कुल ट्रैफिक जैम जैसा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ट्रेन का ट्रैफिक जाम होके रखा है। रुकिए, हम लोग इस सिग्नल को क्रॉस करने दीजिए। सबसे पहले एक बार इस सिग्नल को क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोक देते हैं ट्रेन को। अब ब्रेक्स रिलीज करके रखते हैं क्योंकि बहुत जल्द हमको सिग्नल मिल भी जाएगा। तो यार ये मुझे समझ में नहीं आया यार, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये ट्रेन रुकी क्यों हुई है यहाँ पे? ये वाली जो ट्रेन है एक्सप्रेस वन जिसमें लिखा हुआ है, ये क्यों रुकी हुई है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यार इसी ने जो है अभी गड़बड़ कर दिया, इसी ने अभी गड़बड़ कर दिया। चलो हमको सिग्नल मिल चुका है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है आसनसोल जंक्शन वहाँ तक पहुँच के आज के वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक ईएमयू ट्रेन खड़ी है, ये इसको भी वेटिंग पे रखा गया है आसनसोल स्टेशन के होम सिग्नल पे। और यहाँ पे एक वैग 9 के साथ में ये कौन सी ट्रेन है, ये भी कोल ट्रेन है। अरे वाह यार, यहाँ पे तो यार कोल ट्रेन के लाइन लग चुके हैं, इतने सारे कोल ट्रेन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और अभी हम लोग बस एंटर करने ही वाले हैं आसनसोल स्टेशन को। तो यार मैं यही कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो आपका एक्सप्रेस वन है ये क्यों यहाँ पे रुकी हुई है। इसके चलते मैं आपको आज कोई भी क्रॉसिंग दिखा नहीं पाया। ये देखो इसी सेम ट्रैक्स पे अगर आप दूर में देखेंगे, अगर आप दूर में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्सप्रेस टू भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक के बाद एक जो ट्रेन है ना यहाँ पे वेटिंग पे रखा गया इनको। चलिए हम लोग जल्दी से स्टेशन पे एंटर करके हमारे ट्रेन को रुकवा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस टू भी है जिसका कि P7 साइड फॉन्ट के साथ में कुछ ICF कोचेस लगे हुए हैं। तो गाइस हम लोग जो है काफ़ी तेज़ी से स्टेशन पे एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेक्स भी लगवाना पड़ेगा हमको क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे रोकने का वक्त भी हो चुका है। और सामने आप देख सकते हैं फास्ट लोकल भी दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको सामने एक के बाद एक ट्रेन्स का ट्रैफिक जैम देखने को मिल जाएगा, तो वही हो रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक जैम, एक के बाद एक ट्रेन्स खड़े हैं। अच्छी बात है यार, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आपको मैं आज क्रॉसिंग्स दिखा नहीं पाया। पता नहीं इस ओपन रेल्स में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो जाता है। हमारा तो पूरा ट्रेन एंटर हो चुका है, हमने रोक भी दिया ट्रेन को, अब आपको ट्रैफिक जैम दिखा देता है। अच्छा यहाँ पे वैप 4 के साथ में वैप 7 और वैप 5, अच्छा तीनों के तीनों महाशय एक साथ में यहाँ पे है। अच्छी बात है भाई, तीनों के तीनों महाशय यहाँ पे एक साथ में लगे हुए हैं और हम लोग आगे जाके ट्रैफिक जैम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन, अच्छा उस साइड में एक LHB ट्रेन भी थी जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया। और यहाँ पे ये लोकल ट्रेन है और अगर हम लोग उस साइड में जाएंगे तो आपको पीछे में ये देखिए एक और फ्रेट ट्रेन, एम्प्टी ऑक्सीजन ट्रेन टू दुर्गापुर। अच्छा ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ही है जो कि खाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, मतलब एम्प्टी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जो कि दुर्गापुर में जा रही है। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसमें से अनलोड हो चुके हैं ऑक्सीजन। और भी कोई है क्या? अच्छा अभी तो और कोई नहीं दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। चलिए हम लोग ट्रेन के पास में वापस चलते हैं और आपको वो LHB ट्रेन में दिखा देते हैं। LHB ट्रेन का लोकोमोटिव कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा LHB ट्रेन का लोकोमोटिव वैप 7 दिखाई दे रहा है। तो यही था गाइस आसनसोल जंक्शन का नज़ारा। तो कमेंट से बताना कि ये ट्रैफिक जाम कैसा लगा आप सभी को। यार मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको ट्रेन के जो क्रॉसिंग्स है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया अच्छे से। ये ओपन रेल्स पता नहीं यार क्या क्या कर देती है बीच बीच में। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक जर्नी आपको कैसा लगा और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो ड्यूटी था वो कैसा लगा आप सभी को, ये सब कुछ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप यहाँ पर पहली बार एंट्री मारे हो तो यार आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह का ट्रेन्स के वीडियो ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक भी ज़रूर से ठोक के जाना। तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सायनारा और बाय।